अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना साजिद है, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह के बात करें, आज चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी साहब की जानब से कजाफी स्टडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बड़े फैसले जिनकी तवक्कुआत थी आज लिए गए हैं। और सबसे जो बड़ा फैसला उनकी जानब से किया गया, चीफ सेलेक्टर तैनात किया गया हारून रशीद साहब को, और ये उनके करीबी साथी भी हैं। इससे कबल भी जो है वो डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन रह चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और अभी रिसेंटली वो पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के रुकन भी थे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया। उसी जानब अगर कुछ बात कर लीजिए कोचिंग पैनल के हवाले से, तो उनका कहना था मिकी आर्थर के साथ जो है बातचीत जारी है, और कुछ और भी चीज़ें बड़ी आज क्रिटिकल हुई हैं, बहुत से सवालात हैं। वो आज हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल वहीद रबानी साहब मौजूद हैं, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, एनालिसिस करेंगे, तजिया लेंगे, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई। वालेकुम तो आपको खुश आमदीद कहते हैं, और ये बताएं सेठी साहब की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देख ली है जो मतलब ऑफिशियल तौर पे हुई है, आज कुछ बड़े फैसले हुए हैं बतौर चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हारून रशीद साहब को आप कैसे देखते हैं? देखें, एक तो आप उसको तनकीद का कहें या फिर बातें कहें कि जो कहते हैं कि इसको हटा के उसको ले गया, लेकिन अगर आपने किसी से रिजल्ट लेना होता है ना, आप उसको गो थ्रू देते हैं। शहबाज शरीफ एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इसलिए कहा जाता है, अगर किसी अफसर को लगाता है ना, उसको कहता है भाई अपनी मर्ज़ी की टीम बनाएं, फिर मुझे रिज़ल्ट चाहिए। तो ये जो अपनी टीम बना रहे हैं, या इसको आप रजीम चेंज कहने की बजाय, जो बंदा टीम बना रहा है ना, फिर आप उससे ये डिमांड करेंगे यार आपने ये किया तो आप रिज़ल्ट किधर है। तो ये चीज़ अच्छी है भाई, आप आ रहे हैं, कल को कोई इमरान खान की तरह ये तो नहीं कहेगा अच्छा वो मेरा तो किसी से हो ही नहीं रहा था, मैं तो वहाँ मेरे हाथ बंधे हुए थे, मेरी को सुनने वाला नहीं था। इस तरह की आप काम करें, ग्राउंड आपके सामने है, एट द एंड आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आई थिंक सो ये एक अच्छा डिसीजन है, ताकि ये आप लाइजोन उन लोगों को लेके जिनके साथ इनका लाइजोन है, ताकि फैसले अच्छे हो सकें और ये रिजल्ट की जो जिम्मेदारियाँ वो खुद भी उठाएँ। अच्छा, एक सवाल ये है कि ठीक है आपका पॉइंट तो आ गया, लेकिन एक सवाल ये था अबूरी चीफ सेलेक्टर बनाया गया था शाहिद खान अफरीदी का, और मौक़िफ़ ये था कि ये जारहाना अंदाज में खेलते हैं, मॉडर्न क्रिकेट को जानते हैं, और इसलिए इनको लगाया गया। जाहिर उन्होंने अपना प्लेऑफ पूरा किया जो एक न्यूजीलैंड के दौरे के लिए थे, अब वो नहीं रहे तो अब इन्होंने तैनात किया। आपको लगता है मौजू है मॉडर्न क्रिकेट के लिए, जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, क्योंकि 23 टेस्ट मैच खेले हुए हैं हारून रशीद साहब ने, नो डाउट जाहिर सीनियर भी हैं, एजेड भी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, लेकिन मॉडर्न क्रिकेट के लिए आजकल यंगस्टर हैं, जिस तरह की जदीद क्रिकेट हो गई, T10 भी हो रही है, सारी लीगें आप देख भी रहे हैं, तो मौजू हैं इस क्रिकेट के लिए? देखें, पाकिस्तान का जो चीफ सेलेक्टर होता है ना पीसीबी का, वो सिर्फ एक जो फॉर्मेट के लिए या T20 के लिए नहीं होता ना, उसने टेस्ट और वनडे भी देखना होता है। इसलिए शाहिद खान और अफरीदी की तर्ज का सिर्फ एक या दो प्लेयर आपके पास टीम में होना चाहिए, ना कि पूरी टीम ऐसी बन जानी चाहिए। आपके पास इफ्तिखार अहमद है, खुशदिल है वगैरह वगैरह, तो चीज़ें ये हैं कि आप अगर आप अग्रेसिव माइंड सेट के साथ अगर आप कहना चाह रहे हैं शाहिद अफरीदी का, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उसका एक अपना अंदाज था और वो बचा इसीलिए रह के वो बॉलर था, शाहिद खान अफरीदी बॉलर था, अदरवाइज एज ए उसका जो बैट्समैन अंदाज था शायद इतना लॉन्ग जो अपना कैरियर वो ना खेल पाता। तो यही वजह है सीनियर को होना चाहिए शाहिद खान अफरीदी का भी, और लोगों ने उनके छक्के ज़्यादा इन्जॉय किए। नहीं देखें, चीज़ें ये नहीं होती, आपने अपना कैरियर देखना होता है ना चीज़ें, तो यही वजह है कि मेरा ख्याल है लेट्स सी चीफ सेलेक्टर साहब जो रशीद साहब आए हैं वो क्या। हाँ ठीक है, ये तो टॉपिक हो गया। बाबर आजम के वाले से उन्होंने कुछ बात की, उन्होंने कहा जी मैंने उनको कहा था शान मसूद को नायब कप्तान बनाने के वाले से, उन्होंने नहीं खिलाया, उनकी मर्जी है, और मैंने उनको अपना हक था, मैंने अपना राइट इस्तेमाल किया, उन्होंने अपना राइट इस्तेमाल किया। आपको लगता है कोई आपस में तकरार या आपस में इख्तलाफात सिस्टम है चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी के साथ और कप्तान के साथ? देखिए, एक बड़ी चीज़ जो उन्होंने ऑन की है, उन्होंने कहा जी मैंने अपना जो असर सुख था वो इस्तेमाल किया और मैंने VC लगाया शान मसूद को, लेट सी सेलेक्टर या फिर बाबर आजम उनको खिलाएं ना खिलाएं, ये चीज़ें थी। एक और बात उन्होंने जिस मौके पर की कि बाबर आजम के खिलाफ जो वेव आ रही है वो टीम के अंदर से आ रही हैं। अब ये एक बड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि बाबर आजम का जिसको लाहौर ग्रुप कहते हैं, अमाम है, फ़खर है आपके पास KP के लोगों को, नसीम शाह कहा जाता है, RS इनके साथ हैं। अब दूसरा ग्रुप कौन है, कौन बाजें उठा सकता है, क्योंकि ग्रुप कराची ग्रुप है ना आपके साथ, कराची ग्रुप और कराची, लेकिन अब सरफराज की आवाज़ भी तो आई थी ना, आप इस चीज़ को मान लें, सरफराज की आवाज़ आई, सरफराज की वापसी हुई, उसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंस दी, सारी चीज़ ये थी कि टीम के अंदर से, अब टीम से प्लेइंग, टीम से मराद अंदर से मराद प्लेइंग 11 है या फिर आपका स्क्वाड है क्या है, ये मुझे लगता है कि ये खिलाड़ियों के कंधे पे रख के चलाना चाह रहे हैं, तब्दीली उन्होंने खुद करनी है, मगर ये सामने खिलाड़ियों को लेकर आना चाह रहे हैं ताकि हमारी जो फेस सेविंग वो भी रह जाए और बाबर को हम स्टेप डाउन किसी न किसी फॉर्मेट में कर लें। परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इफेक्ट होगी, पाकिस्तान में जाहिर है खिलाड़ियों में आपस में इख्तलाफात आएंगे, चीज़ें बढ़ेंगी, जिस तरह शान मसूद की एग्जाम्पल इतनी बड़ी सामने है, क्योंकि रिजवान आपका नायब कप्तान है उसको आप रखते हैं, अगर शदाब खान अनफिट भी थे तो ये चीज़ें तो थी ना। देखिए, मुझे ऑस्ट्रेलिया के वो सीरीज याद आ रही है जब यूनुस खान के खिलाफ सारी प्लानिंग हो रही थी और कुरान पे अलफ दिया जा रहा था, वो सारी चीज़ अल्लाह ना करे वो दिन दोबारा आए
क्योंकि चीज़ें जब सियासत शुरू होती है ना तो फिर आप ना तो शाह मलिक को टिकने देते हैं, ना मोहम्मद हफीज़ को टिकने देते हैं, यूनुस का आपके पास है, मोहम्मद यूसुफ है, सारी चीज़ें हैं। अब एक तरह का जो बाउंड है वो बना हुआ था, इसको मत लाया जाए। हाँ, यह चीज़ ज़रूर है, अगर दुनिया प्रैक्टिस कर रही है, आप हर फॉर्मेट का अलग कप्तान है तो कम से कम जहाँ होना चाहिए, लेकिन किसी को इतना वो विलन पेश किया ना जाए बाबर आजम को जिस तरीके, क्योंकि एक अरसे से वो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रन उसके हैं, सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ एज ए कैप्टन वो बना चुके हैं पाकिस्तान की जीत। अब देखो अभी पाकिस्तान फाइनल आ रहा है, इसमें ICC का फाइनल में पहुंचा है, तो ये चीज़ें हैं, आप हटाएं ज़रूर, लेकिन इस तरह विलन और किसी को बदनाम। परफॉर्मेंस तो बाबर आजम की रही है, और जिस तरह की उन्होंने सेंचुरी वनडे में स्पेशली जिस तरह का उनका स्ट्राइक रेट भी है, सारी चीज़ें, एवरेज स्कोर भी बहुत उमदा जा रही है। सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड हुई चीज़ें आपने देखी, कुछ स्कैंडल्स भी सामने आए और सारी चीज़ें सामने, उसके बाद सोशल मीडिया पे तो सोचना भी मना है, और बिहाइंड यू स्पीकर और बिहाइंड यू स्कीपर वगैरह वगैरह चीज़ें चलती रही, अच्छी चीज़ है, मतलब उसके फाइन है, वो फैंस हैं, वो इवन इंडियन चला रहे तो अच्छी चीज़ है ना, लेकिन देखो इंडियन उसको ऑन कर रहे हैं और हमारे अपने विद ड्यू रिस्पेक्ट उसकी मुखालफत कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हर एक का सैफी भाई का दौर गुजरा है, और जब अब आप कहो कि 35 साल समथिंग का एक बंदा, उसको आप कप्तान बना के कितनी लॉन्ग चलाना चाह रहे हो भाई, लोग तो 32-33 साल में रिटायर होकर आप कोच भी बन जाते हैं ना, चीज़ें हो आगे बढ़ने हैं आपने। अब सैफी भाई को कितना लॉन्ग टर्म आप देख लीजिए खिलाना है, हमने कितने साल खिलाना है, 38 साल तक, 39 साल तक, 40 साल तक, की करें वापस ले, तो वही चीज़ें इसीलिए होती हैं कि हम लोगों को डेब्यू, अब आबद अली का आपने 32 साल में जाकर डेब्यू करवाया, बाकी सारी चीज़ें इस तरह की क्यों नहीं आप 17-18 साल से शुरू होते हैं, ताकि उसको भी पता हो यार मैंने 27-28 साल 30 साल तक मैंने क्रिकेट खेलनी है। तो अब मेरा ख्याल है ये इनका अल्टरनेट मेरा सैफी भाई नहीं हो सकते, चीज़ें आप टीम में से अब ले आओ, आपके पास फ़खर पड़ा हुआ है, आपके पास माम पड़ा हुआ है, अब्दुल्ला अशफीक अगर लॉन्ग टर्म खेलता है वो आपका ये चीज़ें, बिल्कुल ऑप्शन तो है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, शादाब खान हैं, और रिजवान की बात की जाती है, कुछ चीज़ें तो सामने आती है। लास्ट में एक आज जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस वाले से सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट क्या डिफरेंट लगा निजम सेठी साहब का, क्योंकि उन्होंने बोर्ड के अंदर भी तब्दीलियों का इशारा दिया है और बाहर भी उन्होंने तब्दीलियों के हवाले से बात की है, तो आपको लगता है वो जो अप्रोच जिस अप्रोच के साथ चल रहे हैं, जिस अग्रेशन के साथ चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई आपके दिल को जो पॉइंट लगा वो बता। देखिए एक तो मुझे बॉडी लैंग्वेज से थोड़े रिलैक्स नज़र आए ना एज कम्पेयर टू द रमीज़ राजा साहब, ये चीज़ें अच्छी थी, मतलब आप हर एक को क्वेश्चन कर रहा था उसका जवाब दे रहे थे अपने एंगल से अपने अंदाज से, फिर उन्होंने एक दो चीज़ों को ऑन किया, लाइक शान मसूद को अपॉइंट करना, फिर उसके बाद रून रशीद को अपॉइंट करना, ये अच्छी चीज़ होती है भाई, जो आपने किया वो करें, फिर उसके बाद उसने यही बताया यार मुझे मेरे पे प्रेशर वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा, हम कोशिश करते ना हो सके, ये चीज़ें, फिर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल कोचेज़ के बारे में उसने बताया, जो वो कर रहा है वो सामने सबके सामने बता रहा है, मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है कि याद आप जो कर रहे हैं अब उसको ऑन भी कर रहे हैं, मान भी रहे हैं, तस्लीम भी कर रहे हैं। चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वहीद रबानी साहब हमारे साथ नाजरी मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट तजियाकार भी हैं, और यकीनन गहरी नज़र होती है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की स्पोर्ट्स के ऊपर, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जिस तरह की तब्दीलियाँ आ रही हैं, आए रोज़ हमें चेंजिंग नज़र आती हैं, डिपार्टमेंट्स के हवाले से, बहाली के हवाले से उन्होंने कहा जी खत लिख दिए गए हैं, और होपफुली 5-6 माह में ये प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा, और इसके साथ ही साथ कुछ चीज़ें जिस तरह PCB के अंदर भी उन्होंने क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं, जिस हवाले से भी कुछ इकदाम किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ खुद भी बड़े अग्रेसिव नजर आए, तो नो डाउट पाकिस्तान की क्रिकेट जहाँ उसको प्रमोट करने के लिए जिस तरह के इकदाम करने चाहिए वो कर रहे हैं, और हमारी भी दुआ यही है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो फ़रोग पाए, पाकिस्तान में क्रिकेट जो है प्रमोट हो, और पाकिस्तान के जो है खिलाड़ी वो तरक्की करे। आज की वीडियो से नाज़रीन इतना ही, दोबारा फिर किसी और अकेडमी से आपको विजिट करवाएंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से जुड़ी जो खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।